नमस्कार, मैं डॉक्टर मदन राजपुरोहित पाली राजस्थान से आज आपको कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूं कि मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आपको घर पे क्या करना है। मिर्गी, फिट्स, ताण आना सब एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, जिसमें मरीज को हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती है, मुंह से झाग आ जाते हैं और बेहोश हो जाता है। तो आपको हॉस्पिटल जाने से पहले क्या करना है वो आपको कुछ पॉइंट है जो बता देता हूं। सबसे पहला काम करना है आपको मरीज को करवट दिला के रखना है। दूसरा काम है उसके जो भी कपड़े हैं उनको लूज कर देना है। तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है, कभी भी नाक बंद नहीं करना है और उसको दांत को खोलने की कोशिश नहीं करना है। मुंह के अंदर कोई भी चीज नहीं डालना है। कई लोग सुंगाने का काम करते हैं, जूते सुंगाते हैं या कोई अलग अलग तरीके के काम करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। और किसी भी भोपों के चक्कर में या देसी जो भी झाड़फूंक करते हैं उनके चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि हर मिर्गी की कोई ना कोई वजह होती है। तो आपको जो भी आसपास में डॉक्टर है, जो भी आसपास में हॉस्पिटल है, वहां पे तुरंत मरीज को लेके जाना है। और जब तक मरीज होश में नहीं आता है, बोल के नहीं कहता है, तब तक आपको खाने पीने की कोई भी चीज नहीं देना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हॉस्पिटल जाने से पहले आपको ध्यान रखने की जरूरत है। धन्यवाद।